इतने वाले चले गए हैं अब, जिसमें इनकी यहाँ के एक सरगना भी है जो षड्यंत्र के सूत्रधार है, जिन्हें 15 करोड़ से ज्यादा मिले होंगे। अब वफादार कांग्रेस के विधायक है। हिमाचल में एमएलए खरीदने की सोच रही है भाजपा। सीएम सुक्खू बोले, अब कोई बिकाऊ नहीं, जो थे वे भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली से हिमाचल लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को बीजेपी और कांग्रेस के बागी विधायकों पर फिर से हमला बोला है। सीएम सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी सोच रही है कि कांग्रेस के कुछ और विधायकों को खरीदकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बिकने वाले विधायक भाजपा में चले गए हैं, अब वफादार विधायक कांग्रेस के पास बचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने बिकाऊ लोगों को प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला से पूर्व कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा का नाम लिए बगैर कहा कि हो सकता है कि सरगना को 15 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले हो, अब भाजपा के इशारे पर कोई बिकने वाला नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री कुटलैहड़ में जनसभा में कह चुके हैं कि कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर को शायद नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने गारंटियों को पूरा किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा पूरा किया गया है, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने के अलावा 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना, सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू करने तथा दूध गेहूं मक्की पर MSP देने जैसे काम किए गए हैं। पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आपने बिकाऊ MLA अपने पार्टी के प्रत्याशी बनाए हैं, जिसमें इनकी यहाँ के एक सरगना भी है जो षड्यंत्र के सूत्रधार है, जिन्हें 15 करोड़ से ज़्यादा मिले होंगे, वो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि वो बिकने वाले चले गए हैं। अब वफादार कांग्रेस के विधायक हैं, 62 की हमारे हाउस की संख्या है, 6 में चुनाव होना है, 3 आजाद प्रत्याशियों का फैसला स्पीकर महोदय ने अभी जल्दी कर देंगे, और उसके आधार पर जब 6 हमारे प्रत्याशियों का चुनाव होगा तो भी 62 के हाउस में इनके पास कहाँ संख्या है। 4 जून को कैसे सरकार बनाएंगे, सोच रहे हैं कि और धन देंगे, वो अब धन में से खींचने वाले वाले नहीं है। अब हिमाचल की देव संस्कृति में विश्वास करने वाले MLA खड़े हमारे साथ है, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करने वाले खड़े हमारे साथ है। बिकने वाले MLA चले गए हैं, जो बिकाऊ थे ना, जो बिकने के लिए खड़े हुए थे, जिन्होंने बिकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पेशकश की, वो बिक चुके हैं और तथ्य है हमारे पास। सर, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब तथ्य जनता के सामने हम रखेंगे तो बड़े लोगों को ये परेशानी सामने आएगी कि ये क्या हो गया। हमारी सरकार ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कदम उठाएगी। सर, अभी FIR हुई है एक फिलहाल, अभी FIR की बात हुई है, एक आपके खिलाफ FIR भेजी गई है कांग्रेस की ओर। वो तो प्रूव होता तब FIR होती है, जुबानी नहीं होता, हमारे पास तो तथ्य है। सर, प्रत्याशी घोषित नहीं हुए अभी तक। हाँ, प्रत्याशी हमारे फाइनल राउंड की चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अच्छे और स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को उतारेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जल्दी ही हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होगी और आपके सामने प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि हमारा अंतिम चरण में चुनाव है, तो प्रत्याशी के लिए हम सोच विचार करके पूरी तरह से। सर, जयराम जी बोल रहे हैं कि प्रतिभा सिंह ने ही जो है वो जो बाकी विधायक हुए हैं उनको उकसाने का काम किया है, और साथ ही साथ विक्रमादित्य को उन्होंने पलटूराम कहा है। ऐसा है जयराम जी, तो पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। बोलते 1500 रुपये नहीं दी, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी, गारंटी नहीं दी। अब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, उन्हें तो झूठ बोलना है। प्रतिभा सिंह जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष है और उनके नेतृत्व में ये हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सरकार की उपलब्धियों को जनता की अदालत के बाद उठा रहे हैं, और हम सब लोग मिलकर एकजुटता का परिचय दे के भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, जो जनता के बोर्ड पर चुनकर आई हुई सरकार थे और जो विधायक है उनको खरीदा है, उसके दम पर मैं कह सकता हूं कि जनता लोकतंत्र की हत्या नहीं देने होने देगी, इन सब को सबक सिखाएगी। बहुत 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 धन्यवाद। 4 दिन हमीरपुर में रुकेंगे सीएम।
मुख्यमंत्री सुक्खू अगले 5 दिन हमीरपुर में रुकेंगे। यहां मुख्यमंत्री चुनाव रणनीति बनाएंगे। बता दें कि हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटों सुजानपुर, बड़सर, गगरेट और कुटलैहड़ में उपचुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ के लिए कांग्रेस सरकार के लिए लोकसभा से ज्यादा जरूरी विधानसभा उपचुनाव में जीत है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा उपचुनाव की 5 दिन रणनीति बनाएंगे।